हेलो वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं फराड़ी साबूदाना वड़ा। तो उसके लिए ये हमने साबूदाना करीबन 200 ग्राम जितना लिया है, उसको 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के आप रखें। फरारी आटा है जो बाजार में रेडीमेड मिलता है। ग्रीन चिली जिंजर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों को क्रश कर लेना है। 2 उबले हुए आलू, आलू को उबाल के उसको मैश करना है। तो ये हो गए इंग्रेडिएंट्स। अब कैसे बनाने हैं वड़े वो हम आपको दिखाएंगे। मैश कर लिया है उबले हुए आलू। साबूदाना को आप पानी में से निकाल लें और उसको फ्राई कर लें, वो भी अंदर अच्छी तरह से पोटैटो के अंदर डाल दें। ये भुना हुआ मूंगफली है जिसको आप अच्छी तरह से स्लो मीडियम पे थोड़ा सा भून लें और उसके छिलके निकाल के उसको क्रश कर लें, पाउडर बना लें, वो थोड़े से डालें। उसके अंदर ग्रीन चिली और जिंजर क्रश किया हुआ हम डालेंगे। ये है आटा, फरारी आटा। उसके अंदर हमने नमक, सोल्ट, रेड चिली पाउडर, अगर आप खाते हैं तो थोड़ा चिली पाउडर, सब हमने मिक्स करके आटा आटे में डाल के मिक्स कर लिया है। ये आटे में सब डाल के अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें सभी इंग्रेडिएंट्स को, और फिर उसको मिक्स करके चख लो थोड़ा सा। अगर कुछ कम लगता है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इस तरह से। इसके अंदर आप चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, रॉक सोल्ट भी डाल सकते हैं, और नॉर्मल सोल्ट भी आप डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर थोड़ा सा डालें, शुगर, और सब ये मिक्स मसाला करके आप थोड़ा सा चख लें। अगर आपको नमक चिली कम लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे पेटिस के बॉल बना लें और फिर उसमें से दोनों हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के आप उसे बॉल बना के राउंड राउंड और ऐसे बना लें वड़ी जैसा, और फिर उसको डीप फ्राई करना है थोड़ा सा ब्राउनिश जैसा, और बाद में उसको टिश्यू पेपर में निकालें। इस तरह से गर्मा गर्म आप बना लें और डिश में उसको सर्व करें योगर्ट चाय के साथ। बहुत ही बढ़िया लगता है, तो ज़रूर आप इसको बनाइए। थैंक यू वेरी मच।